स्वागत है आपका हमारे चैनल आरएस फाइनल डेस्टिनेशन में। अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे क्लास टू के नए टॉपिक हिंदी में विशेष्य और विशेषण के बारे में, जिससे काफी या तो यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी हो या लोअर परीक्षा का कोई भी एग्जाम हो, इससे जरूर कोई एक या दो क्वेश्चन पूरा जरूर किए जाते हैं। ये बहुत ही ईजी है, लेकिन इसको समझना होता है किस तरीके से पहचानेंगे विशेष्य क्या है विशेषण क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि विशेषण क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जिससे संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता का पता चले वो विशेषण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि विशेषण में कि कौन कौन से इसके भेद हैं। जैसे कि हमको पता है कि विशेषण के चार भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे ज्यादा इसमें ये नहीं पूछता कि कौन कौन से गुण है या कौन कौन से इसमें विशेषण है, वो पूछता है, उदाहरण आपको देगा, जैसे आपको दे दिया भला बुरा या काला या मोटा, इसमें कौन सी विशेषता है, ये गुणवाचक विशेषता है, संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है या सार्वनामिक वाचक है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। गुणवाचक विशेषण वो विशेषण होता है जिसके द्वारा गुण, रंग, दशा, आकार अथवा अवस्था के बारे में पता चलता है। जैसे गुण का मतलब हो गया कि आदमी का मतलब बहुत अच्छा है, सुंदर है, और जैसे रंग का हो गया काला है या मोटा है या भारी है या लंबा है, इस तरीके के जो वर्ड हम सब दिए जाते हैं तो किसके अंतर्गत आते हैं, वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इसमें हमें कंफ्यूजन पैदा होता है, संख्यावाचक। संख्यावाचक में क्या होता है कि इसमें जो होगी एक संख्या होगी, इस संख्यावाचक को पांच भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि है गणना बोधक, क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक, प्रत्येक बोधक। और अब प्रतिन के पेपर में कैसे पूछता है, आपको कोई देगा वर्ड जैसे पहला लड़का या चौगुना तीन गुना, तो ये बताना होता है कि इसमें आवृत्ति बोधक है या क्रम बोधक है या गणना बोधक है। गणना का मतलब होता है जैसे एक दो तीन चार, तो ये कौन से वर्ड कहला सब कहलाते हैं, ये कहलाते हैं गणना बोधक। और क्रम बोधक में क्या होता है, क्रम मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो वो क्या हो जाते हैं क्रम बोधक हो जाता है। तो उसके बाद आते हैं आवृत्ति बोधक। आवृत्ति होता है किसी चीज की, जैसे दुगुना तीन गुना चौगुना पांच गुना, तो ये सब किसमें आ जाता है आवृत्ति बोधक में। अब बात करते हैं समुदाय बोधक। समुदाय बोधक होता है सभी लोगों को मिलाकर बोलना, जैसे सातों लड़के तीनों लड़के या पूरे जिसमें पूरा का पूरा समुदाय आ जाए उसको कहते हैं हम समुदाय बोधक। उसके बाद आता है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक में क्या आता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर 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 एक आदमी, इस तरीके के जो वर्ड आते हैं शब्द आते हैं उसको बोलते हैं प्रत्येक बोधक विशेषण। अब बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण में। परिमाणवाचक विशेषण कौन सा विशेषण होता है, जिसमें माप तोल के बारे में बताया जाता है। माप तोल जैसे कि थोड़ा हुआ या चार सेर दूध या आधी किलो दूध, जिस ये इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि है अनिश्चित वाचक और निश्चित। अनिश्चित मतलब जिसके बारे में पूर्ण रूप से पता नहीं कितना है, जैसे इसने बोला थोड़ा दूध, थोड़ा मतलब कितना है कुछ मालूम ही नहीं है, तो वहां पे कौन सा हुआ, वो हुआ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जहां हमें पता है कि इसमें चार सेर दूध है या दो किलो दूध है, तो वहां पे कौन सा हुआ, वहां पे हुआ निश्चित वाचक। अब बात करते हैं सार्वनामिक वाचक पे। सार्वनामिक वाचक जो होता है वो होता है संकेत वाचक। संकेत वाचक जैसे कि इसमें ऐसे वर्ड होते हैं जैसे यह है वह, जैसे ये यह लड़का वह आदमी, जो उस आदमी को प्रेजेंट करता है तो वो कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। तो एग्जाम में सिर्फ इसके यही वर्ड देगा कि आप थोड़ा दूध, अधिक चीनी या इस तरह के वर्ड देगा, पूछेगा कि इसमें कौन सा विशेषता है या कौन सा विशेषण है, तो आप पहचान सकते हो। लेकिन इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। मेन टॉपिक है विशेष्य और विशेषण को पहचानना। तो कैसे पहचानेंगे, अब हम आपको बताते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है काला घोड़ा, काला मतलब उसकी विशेषता है घोड़ा कैसा है, काला है, तो जो उसका रंग है काला वो तो हो गया विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई गई है तो वो होता है विशेष्य। जैसे ये काला कौन है, घोड़ा है ना, तो घोड़ा क्या हुआ, विशेष्य हुआ, और जो रंग है उसका वो विशेषता हुई। तो इसमें जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य होता है, और जो विशेषता है वो विशेषण होता है। समझ में आया। इसको भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया, एक होता है विशेष्य विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। कैसे पहचानेंगे विषय विशेषण है या विधेय विशेषण है, इसको पहचानना बहुत ही आसान है। यदि पहले आपका विशेषण आए, क्या आए, विशेषण आए, और फिर उसके बाद विशेष्य आए, तो वहां पे क्या होता है,
विशेष से विशेषण, जैसे काला घोड़ा। काला पहले क्या है, विशेषण है, उसके बाद विशेष्य है, तो यहाँ पे क्या हो गया, विशेष से विशेषण। अब पहचाने कैसे विधेय विशेषण क्या होता है, अगर इसको हम उल्टा कर देते हैं, जैसे घोड़ा काला है तो पहले क्या है घोड़ा, मतलब पहले क्या है विशेष्य, और उसके बाद क्या है विशेषण। पहले जब विशेष्य आता है तो वहां पे हो जाता है विधेय विशेषण, समझ में आया। जब पहले विशेषण आता है तो वहां विशेष्य विशेषण, जब पहले विशेष्य आता है तो वहां विधेय विशेषण। ये तो बात हुई हमारी विशेष्य विशेषण की और विधेय विशेषण की। अब बात करते हैं पर विशेषण क्या होता है। पर विशेषण वो विशेषण होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जैसे यह आदमी अत्यधिक तेज दौड़ता है। तेज क्या है, उसकी विशेषता है कि वो तेज दौड़ता है, लेकिन अत्यधिक जोड़ने के कारण वो उस विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि ये आदमी अत्यधिक तेज दौड़ता है। तो कहने का मतलब ये हुआ जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो सब क्या कहलाता है, पर विशेषण कहलाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। समझ में आया विशेष्य क्या होता है, पर विशेष्य क्या होता है, और विशेषण क्या होता है, और विधेय विशेषण क्या होता है, समझ में आया होगा आपके। अब आगे चलते हैं कि इसको कैसे चेंज किया जाता है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, आपको वर्ड दिया होता है जैसे अग्नि, या आपको दे देगा धन, या दे देगा आपको कुछ भी अर्थ दे देगा, या आत्मा दे देगा, कहेगा कि इसका विशेषण क्या है। तो विशेषण दो तीन तरीके से बनता है, या तो उसकी जो संज्ञा में है उसमें प्रत्यय जोड़ के प्रत्यय लगा दीजिए, या एक काम कीजिएगा क्रिया, जैसे पूजनीय पूज्य है या पठ है, जो क्रिया है उसमें भी प्रत्यय लगाकर हम विशेषण बना सकते हैं। जैसे आपको दिया अग्नि, अग्नि का जो विशेषण होगा वो होगा आग्नेय। अगर धर्म है तो उसका विशेषण होगा धार्मिक, अगर आत्मा है तो उसका विशेषण होगा आत्मिक। इसी तरीके से हम बता सकते हैं कि इसका विशेषण क्या होगा, इसका विशेष्य क्या होगा। अब इसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। एग्जाम में आपको एक सेंटेंस दिया होगा और उससे पूछेगा कि इसमें कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। तो मैंने एक उदाहरण लिया है जो एग्जाम आया हुआ है, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। मतलब समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। आप पहले से जानते हो विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो सबसे पहले देखिए सांप, सांप क्या है, ये एक विशेष्य हो गया, क्योंकि सांप की विशेषता क्या है, वो कैसा है, समुद्री है। तो ये क्या है, विशेषण। समुद्री क्या हुआ है, विशेषण हुआ, एक विशेषण हो गया। हम क्या करते हैं, जो विशेष है उसको गोला करते हैं। फिर आगे चलते हैं, मैं घातक परंतु बहुत कीमती। अब जैसे मैंने बताया बहुत कीमती क्या है, पूरा एक वर्ड है, क्यों, कीमत क्या है उसकी, बहुत है, तो ये पर विशेषण हो जाएगा, लेकिन ये एक ही वर्ड माना जाएगा। ये एक, ये क्या हो गया हमारा, ये भी क्या हुआ, ये हो गया विशेषण, और समुद्री भी क्या हुआ, विशेषण हुआ। जहर पाया जाता है, जहर कैसा पाया, किसकी विशेषता बताई जा रही है, जहर की, जहर कितना, बहुत कीमती है, तो ये किसकी विशेषता बताई गई है, जहर की, जिसकी विशेषता बताई जाती है उस वो विशेषण कहलाता है, जो विशेष्य कहलाता है। जहर क्या है, यहाँ पे विशेष्य है, और बहुत कीमती क्या है, ये विशेषण है। इसी प्रकार जो सांप है वो विशेष्य है, और समुद्री क्या है, विशेषण है। तो हम इजीली पहचान सकते हैं कि इसमें एक तो समुद्री विशेषण हो गया, उसके बाद घातक, जो घातक है वो भी विशेषण हो गया, और बहुत कीमती भी विशेषण हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें तीन विशेषण और दो विशेष्य हैं, क्योंकि सांप की भी विशेषता बताई जा रही है और जहर की भी विशेषता बताई जा रही है। फिर हम एक और उदाहरण लेते हैं, इसको और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे है भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। मतलब एक सेंटेंस है कि भोले बालक ने क्रूर डाकू की कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। आप इसमें कैसे देखेंगे कि इसमें कितने विशेष हैं, कितने विशेषण हैं? तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि विशेष्य कौन है। तो इसमें विशेष्य एक तो बालक हो गया, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है, ये भोला है। उसके बाद आगे चलते हैं डाकू, क्योंकि डाकू की विशेषता बताई जा रही है, डाकू कैसा, क्रूर है। तो एक तो विशेष्य हमें बालक मिल गया, एक डाकू। आगे चलते हैं कि कठोर हृदय। अब देखिए हृदय की विशेषता क्या है, कि हृदय क्या है, कठोर है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। तो हमें विशेष्य एक क्या मिला, बालक, एक मिला डाकू, और एक मिला हृदय। अब देखिए कोमल भावना जगा दी,
भावना कैसी है कोमल। देखिए इस भावना को भी हम अगर देखा जाए तो इसको भी हम एक विशेष्य मान सकते हैं, क्योंकि तो भावना कोमल भावना एक वर्ड है, लेकिन इसको मान भी सकते हैं और नहीं भी, इसको हम इसलिए नहीं मान सकते भावना कोई इस तरीके का वर्ड नहीं है, भावना किसी का नाम नहीं है, ये सिर्फ एक फीलिंग है और फीलिंग की विशेषता क्या है कोमल भावना इसको नहीं मानेंगे। तो हम लिखेंगे इसमें तीन विशेष्य हैं और भोले क्रूर और कठोर तीन ही विशेषण है, समझ में आया। जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है, जैसे बालक कैसा है भोला है, डाकू कैसा है क्रूर है, हृदय कैसा है कठोर है। तो ये हृदय डाकू और बालक विशेष्य हुए और भोले क्रूर और कठोर विशेषण हुआ। विशेषण में हमने क्या सीखा, सबसे पहले जाना कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, फिर उन्होंने हमने माना कि कौन कौन से कैसे पहचानते हैं कि प्रत्येक बोधक में क्या आता है, या फिर आवृत्ति बोधक में क्या आता है, या फिर गणना बोधक में क्या आता है। उसके बाद हमने जाना कि विशेष्य और विशेषण कैसे पहचानते हैं। उसके बाद फिर हमें पता लगाया कि विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण की क्या पहचान होती है। हमें पता लगा कि जहां पहले विशेषण होता है वो विशेष्य विशेषण हो जाता है, जहां पहले विशेष्य होता है वो विधेय विशेषण हो जाता है। उसके बाद हमने जाना कि पर विशेषण क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताए वहां पर विशेषण हो जाता है। उसके बाद हमने जाना कि संज्ञाओं में और क्रियाओं में किस तरीके से प्रत्यय लगते हैं कि वो विशेष्य से विशेषण बन जाते हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि को विशेष, अग्नि का विशेषण क्या होगा अग्नि होगा, आत्मा का क्या होगा आत्मिक होगा, इसी तरीके से इनके विशेषण बन जाते हैं। और क्रियाओं में कैसे लगते हैं, जैसे पूज है पूज्य है, पूज्य में क्या पूजनीय हो जाएगा, पट का क्या होगा पठनीय हो जाएगा। तो क्रिया और संज्ञाओं में प्रत्यय लगा के भी विशेषण बनते हैं। इसी प्रकार हमने जाना कि अगर कोई हमें वाक्य दिया हुआ है और उसमें हमसे पूछता है कि इसमें कितने विशेषण है और कितने विशेष है, तो इजिली हम बता सकते हैं विशेष और विशेषण से। इससे वहां कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इस बारे में बताइएगा कि ये वीडियो अच्छी है, जिससे कि आप सभी को लाभ मिल सके। और इसके बाद हमारी दूसरी क्लास जब आएगी उसके बाद तीसरी ले जाएंगे, अगर हमको इसी तरीके से जैसे पहली वीडियो में आप लोगों ने हमें हौसला दिया है, अगर ऐसा हौसला मिलता रहा तो 20 क्लासों से पहले ही आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी।